में आम तोड़ने को लेकर विवाद में दो गांव के दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसमें फायरिंग हुई, दो लोगों की मौत हो गई व एक घायल है। गाजियाबाद में बीती रात निवाड़ी थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार तीन व्यक्तियों को मारी गई गोलियां। पिता पुत्र और एक अन्य व्यक्ति करते थे आम के बाग की रखवाली। कल रात आसपास के खेत वालों से सिंचाई के पानी के बंटवारे की बात को लेकर हुआ था विवाद। निवाड़ी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले खिंदौड़ा गांव के कुछ खेत मालिकों का धौलड़ी गांव के रहने वाले आम के बाग रखवाली करने वाले व्यक्तियों से हुआ था झगड़ा। त्यागी समाज और मुस्लिम समाज के लोगों के बीच विवाद में तीन लोगों को गोली लगी, जिसमें दो की मौत हो गई, एक गोली लगने से घायल था। निवाड़ी थाना क्षेत्र की स्थिति तनावपूर्ण है। लोगों ने निवाड़ी थाना क्षेत्र की सड़क को किया जाम। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर स्थिति का जायजा लिया। वहीं गांव के रहने वाले स्थानीय लोगों ने मौके पर सड़क पर जाम लगाया। पुलिस के आला अफसर मौजूद रहे और गिरफ्तारी की मांग की लोगों ने। सुधाकर सिंह, गाजियाबाद, समाचार 24। गांव में एक बाग पड़ता है, वहाँ पे बाग की रखवाली करने वाले तीन लोग थे, उन्हीं के ऊपर गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। जब मौके पर पुलिस पहुंची थी तो उस समय एक जो घायल था उसको तत्काल अस्पताल एडमिट कराया गया था, जिसमें वो अभी उपचाराधीन है। और उसके द्वारा ये बताया गया था कि दो व्यक्तियों जो उसके परिवार के थे उनको गोली लगी थी। तो रात में एक डेड बॉडी वहीं रोड के बगल में जो तुम्बा है कनाल है उससे मिला था, और आज सुबह दूसरी डेड बॉडी वहीं से प्राप्त हुई है। तीन अभियुक्तों के नाम उस समय बताए गए थे, उनको तत्काल हिरासत में लिया जा चुका है। जो तहरीर उन्होंने लिख करके दी है उसके अभियुक्त भी पंजीकृत किया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो भी कानूनी कार्रवाई। सर, कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं पुलिस की ओर से? तीन लोग अभी हिरासत में लिए जा चुके हैं, जो इन्हीं के द्वारा बताया गया। सर, पूर्व में कोई रंजिश वगैरह थी या अभी? देखिए, पूर्व का कोई रंजिश प्रकाश में नहीं है, परंतु उसी दिन रात्रि में 8 बजे जो ये बाग में कनाल से पानी लेते हैं उसके बगल में जो खेत था उसके खेत वालों को पानी लेकर के कुछ डिस्प्यूट हुआ था, जो डिस्प्यूट भी उनसे मौखिक रूप से हुआ था, और उस समय बाग के मालिक द्वारा आकर के उसको समझा बुझा दिया गया था। कल मेरी उनसे बात भी हुई थी तो उन्होंने बताया था कि इसके बाद उन्हें किसी को ऐसी सूचना नहीं थी, क्योंकि उस समय उन्होंने समझा बुझा कर किसी को शांत करा दिया था। सर, क्या किसी सर के क्षेत्र में क्या किसी तरह का कोई मतलब ऐसा तनाव वगैरह? नहीं, देखिए, जो उनकी मांगे हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की गई है, सभी लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उसके अलावा भी जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसमें की जा रही है। सर, क्या दोनों डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए।